क्यों क्यों आखिर क्यों क्यों? आखिर तुम्हारी आंखें तुम्हारी जबान का साथ क्यों नहीं दे पा रही? तुम क्यों नहीं समझ रही हो रेहान? तुम अभी भी जानना चाहते हो कि क्यों? आओ मेरे साथ, चलो चलो अंदर। देखो देखो ये बिस्तर। छूना मत मुझे। करीब मत आना मेरे। ठीक है। हुआ क्या है रेहान? उस सुबह तुमने इस बिस्तर को मेरे लिए कब्र बना दिया था। मैंने सोचा था मुझे खुशी होगी यह देख के, मगर मैं गलत थी। अगर तुम दोबारा सब शुरू करोगे तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी मीरान। मैं ये सब नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि ये दर्द मेरे अंदर हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। तुमने पूछा था ना कि क्यों? क्योंकि मैं भूल ही नहीं सकती। जो आग लगी है मैंने खुद लगाई है, जानता हूं, जो कि हर इंसान को पागल कर सकती है। तुम्हारा एक हिस्सा हां कहता है और एक हिस्सा नहीं, लेकिन उस हिस्से की सुनो जो हां कहता है। हां, क्योंकि जब मैंने अपने दिल की सुनी है, हमेशा तुम्हें पाया है, तुम भी हम दोनों को पाओगी। हां कहो और मेरी बीवी बन जाओ। मैं तुम्हें अपने अल्फाज देता हूं, तुम्हारे सारे गम भर दूंगा और तुम्हारे सारे जख्म भर दूंगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ भुलवा दूंगा जिससे तुम गुजरी हो, मैं वादा करता हूं। हां, हम दोनों ही यहां पर चले हैं, मगर मैं सारी राख को मिटा दूंगा रेहान। अगर तुम चाहो तो हम दोबारा शुरू कर सकते हैं, एक नई जिंदगी का आगाज कर सकते हैं, अपनी कहानी दोबारा लिख सकते हैं यहां से। तुमने हमारी मोहब्बत को खत्म कर दिया है। तुम चाहो भी तो दोबारा सब शुरू नहीं कर सकते। मेरी आंखों में देखो रेहान, तुम सही कह रहे हो,
इस बात पे यकीन करना बहुत मुश्किल है, मगर मेरी आंखें तुम्हें धोखा नहीं देंगी। देखो मैं पहले अपने किए की सजा भुगत रहा हूं, पर मैं जानता हूं रेहान कि मैं नहीं चाहता तुम्हें मजीद तकलीफ दूं या खुद भी तकलीफ में रहूं। सिर्फ चाहता हूं मुझ पर यकीन करो। कौन सा मीरान ये कह रहा है मुझसे, जो मेरी आंखों में मोहब्बत से देखता है वो कह रहा है मुझसे, या जिसने मुझे अंदर तक जख्मी कर दिया है वो कह रहा है? कौन मुझसे अपनी बीवी बनने के लिए कह रहा है? कौन हो तुम मीरान, हो कौन? कभी मुझसे इतनी नफरत करते हो कि मुझे डर लगने लगता है तुमसे, और कभी अपना इंतकाम भूलकर दोबारा नई जिंदगी शुरू करना चाहते हो मेरे साथ? मुझे जवाब चाहिए। चाहते क्या हो हमारी शादी की खातिर? क्या अपना इंतकाम भूल सकते हो तुम? बहुत हो गया, बस बहुत हो गया। किसी भी कीमत पर इस औरत को रोकना होगा। जहां रुको, जाने दो मुझे भाई, जाने दो। तुम मारोगे उसे, तुम मारोगे, ठीक है जाओ तुम दोनों, लेकिन जाने से पहले एक बार इस पेपर को जरूर देख लेना। हम उसका कुछ नहीं कर सकते, समझे तुम? भाई आप पीछे हट जाएं। जब कुछ कर नहीं सकते तो बीच में दखल अंदाजी भी मत करें। मेरा रास्ता रोकने की कोशिश नहीं, जहां नहीं। छोड़ दो, जाने दो, जाने दो। हट जाए भाई, बस बहुत हो गया। शाह दोनों को यार कतई जेब नहीं देती, हम तो दुश्मनों को भी इज्जत देते हैं। हम लोग आज ही जा रहे हैं यहां से। रियान मेरी बात सुनो। ठीक है मीरान, मैं सुनूंगी तुम्हें, पर सिर्फ तब जब मेरे सवालों के जवाब दोगे तुम। देखो तुम मुझसे नसरे भी नहीं मिला पा रहे हो और कहते हो कि तुम अपना इंतकाम भूल चुके हो मेरे लिए। वैसे भी मैं जानती हूं कि अजीजा खानम तुम्हें गुमराह करती रहेंगी मीरान, और जब तक तुम्हारा इंतकाम खत्म नहीं होता मेरी तकलीफ खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक मौका दो मुझे, सिर्फ एक मौका प्लीज। मैं तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालूंगा। मैं तुम्हें अपनी जबान देता हूं रियान, मैं सबसे तुम्हारी हिफाजत करूंगा। तुम हिफाजत करोगे सबसे मेरी, मगर मुझे तो लगता है कि सबसे ज्यादा खतरा तुमसे है मुझे। कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और मैं परियों की कहानी में रहती हूं। जैसे इंसान अपनी सांस नहीं रोक सकता है, ऐसे ही मैं उन कहानियों में नहीं रह सकती हूं। सच मेरे सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है, और मैं हर दफा उस दीवार से टकराकर जख्मी हो जाती हूं मीरान। मैं छुटकारा पाना चाहती हूं इन दीवारों से, मैं इन जख्मों की तकलीफ सहते सहते थक गई हूं। रियान मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूं जिससे हम दोनों हमेशा साथ रह सके। मैं खुद को भी छोड़ने को तैयार हूं इसके लिए। नहीं, तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं है।
बस मुझसे दूर रहो तुम, यही काफी है कि तुम मेरे करीब मत आओ। हमारे बीच बहुत से जख्मों ने जगह बना ली है, हम कभी साथ नहीं रहेंगे। हमारे नसीब में यही अंजाम लिखा है हमारी कहानी का। रेयान